उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ब्रिजलाल ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का फरियादी अगर थाने पर अपनी फरियादें लेकर पहुंचता है तो मुकदमा तत्काल दर्ज किया जाए। जैसे तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठकर बात की। इस बैठक में मुख्य रूप से आईजी रेंज जयनारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीएमओ एसके तिवारी, समाज कल्याण अधिकारी शब्द ऋषि सहित अन्य जनपदों से संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। ये जो है जितने लोग जो है मौजूद हैं एक रेफरेंस में मार्गदर्शन चाहिए सर। एक्चुअली जो हत्या वाले मसला पे सर हम लोग 50% सर उनको पोस्टमार्टम के बाद देने के लिए बात था, लेकिन ये तो मामला हमारा सर हमने शासन को रेफर किया है तो मेरा एडिशनल परिवार की क्या होता कल को आ जाए सर, वही बात है सर। अभी सिविल से हमने कोशिश की सर, सिविल कोर्ट में फिर उनका वो डिक्लेयर हो जाए सर, मतलब सिविल से घोषित होके सर ऐसे वो थोड़ा लेंथ का पूरे मंडल में बात नहीं उनको तो समाज ही बाहर आदमी। एक मेन चीज यहाँ पर है इशू जाति प्रमाण, हमने शासनादेश उसमें जो है